अरे सेन चैनर चो, आज तो कोई मछली हाथ ही नहीं लग रही मेरे। मैंने सोचा था आज कोई अच्छी मछली हाथ लगेगी और अच्छे से लंच हो जाएगा अपना, लेकिन कोई मछली हाथ ही नहीं आ रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं तो सुबह से आपको बोल रहा था कि मछली पकड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप पानी के पास जाओगे मछली तो डर कर खुद ही भाग जाएगी। मुझे लगता है ना हमें बाजार से खरीद लेनी चाहिए, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती आपको। ये फ्रैंकलिन भैया खुद तो काला है, धूप में हमें भी काला करेगा सेन चैन। मुझे लगता है ना हमें चले जाना चाहिए, वरना हम भी इसकी तरह काले कलवे बन जाएंगे। सिंचन, फ्रैंकलिन भैया की मछली पकड़ने के चक्कर में ना हम लोग ना भूख से जरूर मर जाएंगे, मछली हाथ लगे ना लगे। अरे चुप, हम दोनों को चले जाना चाहिए, फ्रैंकलिन भैया खुद ही मछली पकड़ते लेंगे। फ्रैंकलिन भैया हमें बता देना जब आपने मछली पकड़ ली, तो आज मछली हाथ नहीं आएगी, चुप तू और मैं ना भूख से ही मर जाएंगे, हमें चले जाना चाहिए। अरे यार तुम दोनों रुकने वाले नहीं हो, और वैसे मुझे भी यही लग रहा है कि मछली आज हाथ नहीं लगने लगी। आज लगता है ना भाई से खरीद कर खानी पड़ेगी मछली। एक तो मुझे लगता है ना इन दोनों को साथ नहीं लेकर आना चाहिए था, जब भी इन दोनों को साथ लाता हूँ इन दोनों को जल्दी होती है जाने की। अच्छा चलो तुम दोनों आप जल्दी करो, हम किसी होटल में ही जाकर अच्छा सा खाना खाते हैं। अरे अपनी गाड़ी तो ये है, वैसे भी धूप काफी ज्यादा तेज हो रही है, एक घंटा हो गया मैं मछली पकड़ रहा हूँ। अरे जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, अब तुम लोग क्या आलसियों की तरह चल रहे हो। अरे एक मिनट, ये क्या हुआ? अरे ये कौन गिरा आकर? अरे अच्छा हुआ मेरा सर नहीं फट गया। अरे ये क्या गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टोनी स्टार्क है? अरे टोनी को किसने फेंका इतनी ऊंचाई से? अरे ये तो बड़े बुरे तरीके से गिरा। अबे उठ टोनी, टोनी को हुआ क्या है? ये कैसे हो गया? फ्रैंकलिन मैं तुम्हारे पास आकर कैसे गिरा? चलो अच्छा हो गया, अब तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। अल्ट्रॉन ने मेरे सारे सूट दोबारा से चोरी कर लिए हैं, और वो सारे सूट उसने ऑनलाइन स्टोर पर बेच दिए हैं, और उसने मुझे बड़े बुरे तरीके से पीटा है। मुझे लगता है अब तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि आप मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं अपने सूट वापस ला सकूं और साथ में अल्ट्रॉन का मुकाबला कर सकूं। फ्रैंकलिन मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे, क्योंकि हर दफा तुमने मेरी मदद की है। मुझे लगता है तुम्हें सुपर हीरो की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सुपर हीरो इस सिटी की रक्षा करते हैं। अब मेरे पास कोई और चांस नहीं है, उसने मुझे बड़ी ऊंचाई से नीचे फेंका है और मैं बड़ी बुरे तरीके से घायल हुआ हूँ। फ्रैंकलिन अब मैं तुम्हें अपना एक सूट दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम मेरे बाकी सूट वापस ला सकते हो, और साथ में उस अल्ट्रॉन को भी सबक सिखा सकते हो। मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। अरे ये क्या, अरे मैंने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, और अब तो दिन चढ़ चुका है, मैं तो सोच रहा था लंच इकट्ठा करूंगा मैं। फ्रैंकलिन भैया आपकी तो वाट लग गई, मैं और चुप जाकर अच्छे होटल में खाना खाने वाले हैं, और आप ना आयरन मैन के सूट कलेक्ट करो। ये हुए ना, फ्रैंकलिन भैया के साथ बहुत अच्छा हुआ, वैसे भी इन्होंने हमें सुबह से ना भूखा मार दिया है। ये तो ना ही था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फ्रैंकलिन भैया अब मजे करो, अब हम भी देखेंगे ना जब आप भूखे पेट जाकर आयरन मैन के सूट कलेक्ट करोगे, और हम जाकर होटल में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। अरे मुझे लगता है टोनी की मुझे मदद करनी चाहिए, ये काफी बुरे तरीके से जख्मी जो हुआ है। ठीक है टोनी, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और तेरे वो सूट मैं वापस लाकर दिखाऊंगा। वैसे भी अगर अल्ट्रॉन ने तबाही मचाना शुरू की तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। ठीक है टोनी, तू मुझे अपना वो सूट दे दे, ताकि मैं तेरे बाकी सूट ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकूं। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन, मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगे, और ऊपर वाला भी यही चाहता था कि तुम मेरी मदद करो, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास फेंका। फ्रैंकलिन तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना वो सूट देने वाला हूँ। अरे गाइस मुझे तो आयरन मैन का सूट मिल चुका है, और मुझे लगता है ना इस सूट के अंदर काफी खतरनाक पावर होने वाली है। ठीक है सेन चैनल चो, अब तुम लोग जाओ होटल में खाना खाओ, मैं तो आयरन मैन के सूट के मजे लेने वाला हूँ। वैसे भी काफी दिन हो चुके थे मैंने कुछ ऐसा एडवेंचर नहीं किया था। ठीक है टोनी अब मैं जा रहा हूँ, सेन चैनल चो का ख्याल रखना, और सेन चैनल चो तुम लोग टोनी का ख्याल रखना, क्योंकि टोनी भी बड़े बुरे तरीके से घायल हुआ है। ये ना हो कि अल्ट्रॉन फिर से इसे आकर मारने शुरू हो जाए, और तुम दोनों भी इसके साथ लटके जाओ। मुझे जाना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि टोनी के कौन से सूट है जो अल्ट्रॉन ने चोरी किया है, और इन सारे सूट को मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। अरे ये क्या, कितनी लॉन्ग जंप है! अरे बाप रे, गे, अरे सूट के अंदर पावर क्यों नहीं है? लगता है अपनी हड्डियां टूटेंगी। अरे मुझे पता नहीं था कि इस सूट के अंदर पावर नहीं है। अरे मैं तो इस सूट को इसलिए पहनकर खुश हो रहा था कि इसके अंदर पावर्स है। ओह शिट गाइस, शायद मैं भूल रहा हूँ, अगर पावर होती तो टोनी खुद अपने सूट कलेक्ट कर लेता इसे पहन के। वैसे टोनी का तो ये काफी फेवरेट सूट हुआ करता था। अब पता नहीं नए सूट कौन से होने वाले हैं, तो गाइस आप लोग भी रेडी हो उन सूट को देखने के लिए, तो जल्दी भाग कर जाते हैं हम लोग। ओके भाग तो रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं इस साइड पर पहुंच चुका हूँ। अरे ये सामने की तरफ मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मुझे इस सूट के अंदर इंडिकेटर भी मिला है। अब मुझे जाकर देखना पड़ेगा, मुझे लगता है किसी की मदद करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, इस साइड पर तो मैं आ चुका हूँ, ये क्या, ये तो मिलिट्री की गाड़ी है, मुझे लगता है यहाँ पर वैन भी खड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, मेरा गैस बिल्कुल सही निकला, यानी कि इस सूट के अंदर जो इंडिकेटर था वो बिल्कुल सही बता रहा था। अरे सामने की तरफ तो गैंग खड़ी है, लेकिन इन्होंने
पकड़ के किसे रखा, मुझे जाना पड़ेगा। ओके सामने की तरफ तो मिलिट्री कर्नल है और उसकी फैमिली, मुझे लगता है अब ये बचने नहीं वाले क्योंकि चारों तरफ से गैंग ने घेर लिया इन्हें और इनके हाथ में कितने खतरनाक वेपन है। अब तुम नहीं बच पाओगे कर्नल, तुमने क्या सोचा था तुम मुझे वार्निंग दोगे और मुझे पकड़ोगे? वैसे भी तुमने मेरे सर पर $1,00,000 का इनाम रखा है, तुमने बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। मैं तुझे छोड़ दूंगा, अब तुझे और तेरी फैमिली को मैं एक साथ मारूंगा, तो शुरू हो जाए इन्हें छोड़ना मत। देख जिमी तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरी फैमिली को छोड़ दे। तुझे मारने का जो $1,00,000 लगाया था वो भी मैं हटा दूंगा, मेरी फैमिली और मुझे जाने दे। देख अगर तू अभी मार डालेगा फिर भी नहीं बच सकता तू, क्योंकि तू मिलिट्री कर्नल को मार रहा है और मिलिट्री तेरे पीछे पड़ जाएगी और तुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे लगता है गाइस इस मिलिट्री कर्नल को बचाना चाहिए मुझे, और ना ये मिलिट्री कर्नल की फैमिली को मार डालेगा। ओके बे आ रहा हूं मिलिट्री कर्नल, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अरे क्या ही खतरनाक किस्म का पंच लगा। अरे वाओ इस सूट के अंदर तो पावर छुपी हुई है, लेकिन ये पावर मुसीबत के वक्त बाहर आती है। तभी मैं कह रहा था ये सूट ऐसे कैसे हो सकता है। अरे क्या ही खतरनाक मार रहा हूं मैं इन्हें, ये होती है आयरन मैन की पावर, तुम लोग बचोगे नहीं। एक एक करके तो मैंने मार डाला और ये कर्नल की फैमिली को मैंने बचा लिया। अरे मिलिट्री कर्नल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आयरन मैन ने तुम्हारी फैमिली को अब बचा लिया है। मुझे लगता है अब तुम्हें घसीट कर लेकर जाना चाहिए इस खतरनाक गैंग के बॉस को और इसकी गैंग को। थैंक यू सो मच आयरन मैन, तुमने मेरी फैमिली को बचा लिया, मैं तो यही समझ रहा था अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। अरे मुझे लग रहा था तुम लोगों को ये मार डालेगा, इसलिए आयरन मैन ऐसा कैसे होने दे सकता है। मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा और तुम लोग इन लोगों को समेटो। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ आयरन मैन, तुमने हमारी जान बचाई है और इसके बदले तुम्हें $1,00,000 में इनाम देना चाहता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, वैसे जरूरत तो आई है गाइस क्योंकि मुझे नेक्स्ट सूट बाय करना है जो आयरन मैन का। ठीक है थैंक यू सो मच कर्नल। ओके मुझे जाना पड़ेगा, अरे पहले इसने रोक लिया कहीं से फिर से ना रोक ले। ओके गाइस मैं इस जगह पर तो पहुंच चुका हूँ, मुझे लगता है ना अब मुझे नेक्स्ट सूट बाय कर लेना चाहिए आयरन मैन का, तो आप लोग रेडी हो मेरे साथ? गाइस मैंने तो ये बाय कर लिया आयरन मैन का नेक्स्ट सूट, और वाकई में गाइस ये सूट तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। मुझे नहीं पता था आयरन मैन का ये सूट इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर इसके अंदर पावर्स भी होंगी तो मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे क्या ही खतरनाक हवा में फ्लाई कर रहा हूँ मैं तो। और गाइस फ्लाई करते करते एक मिनट इस साइड पर मुझे कुछ सिग्नल मिल रहे हैं कि इस साइड पर कुछ गड़बड़ हो रही है, किसी को कोई मार रहा है। ओके जाकर देखते हैं, ये गैंग वाले ये क्या, ये तो इसे पीट रहे हैं काफी बुरे तरीके से। ओके ये गैंग वाले तो मुझे भी मारना शुरू हो चुके हैं। अरे तुम लोगों की ये वेपन का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अरे गाइस ये क्या, मिलकर तीनों के तीनों मुझे मार रहे हैं, अब मैं बताता हूँ मेरे पास कितनी खतरनाक पावर है। अरे गाइस क्या ही खतरनाक किस्म का बैंड को मारूंगा अब। अरे एक एक पंच ही इनके लिए काफी है, काफी जोरदार लग रहा है ये पंच। एक मिनट मेरे पास ये वाली पावर भी है, अरे कितनी ज्यादा खतरनाक है। अरे गाइस क्या खतरनाक किस्म के मिसाइल निकल रहे हैं मेरे हाथ से, अब मजा आएगा ना, एक एक को मैं चुन चुन के मारूंगा। अरे ये किसी को भी मारेंगे और आयरन मैन छोड़ देगा इन्हें। अरे गाइस हो सकता है अच्छा कुछ करने से ना मुझे नेक्स्ट सूट मिल जाए। ओके गाइस थैंक गॉड मैंने अपने इन मिसाइल से तो इन्हें मार दिया। ये क्या, ये फिर से उठकर खड़ा हो गया। अरे यार गाइस इसे हुआ क्यों नहीं कुछ, अरे बड़े खतरनाक है ये लोग तो। ओके गाइस मैंने इन सारों को मार डाला, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं अब, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। ओके मैं इस साइड से निकल जाता हूँ, मैंने इस दुनिया को बचा लिया समझो, क्योंकि मैंने इस सिटी का जो बचा लिया। अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आयरन मैन के जो नेक्स्ट सूट बाय करने हैं। ओके मैं इस साइड से भाग कर जा रहा हूँ, काफी ज्यादा बाजार है, कितनी ज्यादा स्पीड से जा रहा हूँ मैं तो। एक मिनट ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कौन आ गया अब सामने से? अरे मुझे लगता है ना अब ये वही है जिसकी गैंग को मैंने मारा है। अच्छा तो तू है जिसने मेरी गैंग को मारा है, मैं तेरे से मिलने के लिए आ ही रहा था, अच्छा हुआ तू खुद ही मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि तू मेरे हाथों से मरेगा, तूने मेरी गैंग को मारा तो बहुत बड़ा तीर मार लिया तूने, तो मुझसे मुकाबला कर फिर ही पता चलेगा कि तेरे अंदर कितनी पावर है। अरे ये क्या हुआ गाइस, ये तो मेरे को पीटने शुरू हो गया। अरे मेरी बात तो सुन गाइस, मुझे लगता है ना इसकी तो गैंग को मैंने बड़े बुरे तरीके से मारा था, उस पर मिसाइल फेंके थे, इसे भी मुझे अच्छे तरीके से अब मारना पड़ेगा। ओके गाइस अब देखते हैं, अरे बड़े जोर का पंच मारा, इसके अंदर तो काफी ज्यादा पावर है, और गाइस आप लोग देख सकते हो ये एविल बैटमैन है। गाइस मुझे लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, अब इसे मैं मारना शुरू कर देता हूँ। अरे क्या ही खतरनाक और जोर जोर के पंच मैं इसे मार रहा हूँ, अब तो ये मर जाना चाहिए क्योंकि गाइस इतने पावरफुल पंच तो इसे कभी पड़े नहीं होंगे। अब मुझे काफी ज्यादा मजा आ चुका है, अब तो ये मर चुका है मुझे लग रहा है। गाइस इसका तो देखो कितने खतरनाक तरीके से ब्लड निकल रहा है, और मुझे लगता है गाइस इसे मारने के भी मुझे पैसे मिले हैं। ओके अब मुझे जाना पड़ेगा किसी सेफ जगह पर, जल्दी से मैं इस साइड पर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट सूट बाय कर लेता हूँ आयरन मैन का। तो गाइस आप लोग रेडी हो क्योंकि हम लोग बाय करने वाले आयरन मैन का नेक्स्ट सूट।
गाइस मैंने ये सूट तो बाय कर लिया है और आप लोग देख सकते हो कितना ही ज्यादा अमेजिंग और कितना ज्यादा खतरनाक सूट है। ओके गाइस मुझे फ्लाई करके जाना पड़ेगा और आप लोग देख सकते हो कितना अमेजिंग तरीके से मैं फ्लाई कर पा रहा हूँ। अरे गाइस मजा आ चुका है मुझे और ये देखो पानी के अंदर से मैं जा रहा हूँ कितना खतरनाक तरीके से। और गाइस आप लोगों ने देख लिया आयरन मैन पानी के अंदर घुस चुका है। ओके गाइस जितनी मैंने टेस्टिंग करनी थी सूट की कर लिया, मुझे इस साइड पर जाना पड़ेगा। ओके ये कौन है सामने, ये नजर मेरी किस पर पड़ी? अरे सामने की तरफ तो एक काफी अमेजिंग गाड़ी खड़ी है, पर इसके पास ये कौन है मुझे इसके पास जाकर देखना पड़ेगा। ओके मैं छुप कर इस साइड से चला जाता हूँ, मुझे जरा सा पास होने दो फिर नजर आएगा कि ये है कौन। ओके ये सामने की तरफ तो हल्क खड़ा है और ये किससे बातें कर रहा है? गाइस मुझे लगता है ये तो स्पाइडरमैन है। ओके गाइस मुझे लगता है मैं अपने एक ही पंच से ना इन्हें बेहोश कर सकता हूँ, तो रेडियो आप लोग उस तरफ देख रहे हैं। गाइस मैं इनके पास जाता हूँ, क्या ही खतरनाक पंच मारा मैंने इसे। अरे ये स्पाइडरमैन कहाँ पर भाग कर जा रहा है, इसे भी मारना पड़ेगा मुझे। ओके स्पाइडरमैन को भी बड़े जोर से पंच लगा, दोनों के दोनों तो बेहोश हो चुके हैं। मुझे लगता है यही काफी ज्यादा अच्छा मौका है, मुझे इसकी गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। और गाइस आप लोग समझ ही सकते हो हम लोग करने वाले हैं इस गाड़ी को सेल, वो भी सिमियन की शॉप पर। अब जब तक इसे हो जाएगा सिमियन की शॉप पर इसकी गाड़ी सेल हो चुकी होगी और उसके बाद ये सिमियन जाने और ये हल्क जाने। तो जल्दी से निकलते हैं लेकर गाड़ी। अरे क्या स्पीड से भगा रहा हूँ मैं इस गाड़ी को। ओके गाइस हम लोग गाड़ी भगा कर तो पहुंच चुके हैं सिमियन की प्रीमियम डीलक्स शॉप पर। बस मुझे लगता है ना ये सामने की तरफ, अरे थैंक गॉड सिमियन भी अपनी शॉप पर खड़ा है। अरे ये क्या इतनी कम गाड़ियां आज इसकी शॉप पर। मुझे लगता है जितनी भी गाड़ियां थी वो सेल हो चुकी है, अब ये भी गाड़ियां बाय करने के लिए तैयार होगा। ओके सिमियन मैं अपनी इस गाड़ी को सेल करना चाहता हूँ और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कार है, मुझे पता है तू इसे खरीदने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे आयरन मैन तुम्हारी गाड़ी तो मुझे ये पसंद आई है, मुझे लग रहा है मुझे ये गाड़ी बाय कर लेनी चाहिए। पर ऑलरेडी मैंने 10 गाड़ियां बुक करवा दी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इस गाड़ी को खरीद सकूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस गाड़ी के $1 million देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम इस गाड़ी को $1 million में सेल करते हो तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ। अरे गाइस मुझे लगता है $1 million में भी मुझे इसे सेल कर देना चाहिए। ओके ये गाड़ी तुम्हारी याद से। ओके गाइस मेरे पास तो $1 million आ चुके हैं, अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा इससे पहले कि हल्क आ जाए, क्योंकि गाइस मुझे आयरन मैन के नेक्स्ट सूट बाय करने हैं, ये ना हो कि हल्क मेरे रास्ते में रुकावट बने और इस तरह काफी टाइम लग सकता है। तो जल्दी से इस जगह पर मैं पहुंच चुका हूँ जंप करके। गाइस ये बिल्डिंग तो काफी ज्यादा सुनसान है और मौका भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट सूट बाय कर लेना चाहिए। तो आप लोग रेडी हो? गाइस ये सूट भी मैंने बाय कर लिया है। ओके अब मुझे इसकी पावर को टेस्ट करना पड़ेगा और जाकर देखना पड़ेगा और एक क्या खतरनाक फ्लाई कर पा रहा हूँ मैं। और गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी खतरनाक आग निकल रही है इस सूट से। अरे गाइस फायर आयरन मैन का सूट तो काफी खतरनाक है ये। एक मिनट इस साइड पर ये क्या पड़ा हुआ है? अरे ये तो ये आदमी उठाकर फेंक गया है, मुझे चेक करना पड़ेगा इसे उठाकर। ये क्या लगता है लॉस सैंटोस के अंदर फिर से कोई स्टंट चैलेंज होने वाला है और ये क्या कोई खतरनाक सूट मिलने वाला है सुपर हीरो का? तो मुझे जाकर देखना पड़ेगा कौन से सुपर हीरो का वो सूट देने वाले हैं इस चैलेंज को जीतने पर। तो मैं चला जाता हूँ, लगता है ये लोकेशन तो इसी साइड पर है, तो जल्दी से गाइस फ्लाई करते हैं और इस लोकेशन पर पहुंचते हैं। ओके मैं पहुंच तो चुका हूँ, ये सामने की तरफ ही चैलेंज रखा गया है और ये चैलेंज तो इस जोकर ने अनाउंस करवाया है, मुझे लगता है इसके पास जाना पड़ेगा। ओके मैं इस चैलेंज को खेलने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस चैलेंज को खेलना है। ओके ठीक है, अगर तुम इस चैलेंज को खेलना चाहते हो तो तुम्हारा नाम एंटर कर दिया गया है। अगर तुम चैलेंज को जीतते हो तो तुम्हें एक सूट मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें फिनिश पॉइंट पर ही जाकर मिलेगा। और अगर हार जाते हो तो तुम्हें खुद को हमारे हवाले करना पड़ेगा और हम तुम्हारे से जो कुछ करवाए वो कर सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें ये चैलेंज खेलना चाहिए क्योंकि ऐसा खतरनाक चैलेंज सिर्फ जोकर ही बना सकता है। ओके ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। इसने मुझे यार गाइस नॉर्मल समझ लिया है और ये समझता है कि मैं नूबू, लेकिन गाइस इसे बताना पड़ेगा कि हम कितने ही ज्यादा प्रो है इस स्टंट चैलेंज के अंदर। ओके मैं इस छोटी सी बाइक के ऊपर बैठ जाता हूँ, है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक, अगर मैं गिरा तो काफी बुरे तरीके से गिरूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या स्पीड से भगा रहा हूँ और सामने की तरफ पहुँचना पड़ेगा। अरे बाइक तो अपनी हवा के अंदर ही है, क्या जोर से इस वाली चट्टान के साथ लगा मैं। अरे ये चैलेंज तो काफी बुरे तरीके से रखा गया है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सी साइड पे जाऊँ। इस साइड पर ब्लॉक लगा हुआ है और दूसरी साइड पर रास्ता काफी खतरनाक। ओके अपनी बाइक को मैं यहाँ पर हवा में फ्लाई भी करवा सकता हूँ, इस बाइक के अंदर एक बूस्टर ऑप्शन भी लगा हुआ है।
ओके, मैं काफी स्पीड से जा रहा हूँ। जोकर भी देख रहा होगा कि कितनी आसानी से मैंने इन मुश्किल रास्तों को पार कर लिया है। ओके गाइस, मुझे लगता है बस वो सामने की तरफ जाना है। फिनिश पॉइंट तो मुझे नजर आ चुका है, पर उसके पास कोई सूट नजर नहीं आ रहा। यही पर जोकर मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं खेल रहा था। ये ना हो हम लोग फिनिश पॉइंट तक पहुंचे और हमें कोई सूट भी ना मिले। ओके, ये रास्ता भी मैंने पार कर लिया किसी तरह करके। ओके, ये रास्ता तो काफी ज्यादा मुश्किल है, हम लोग नीचे गिर सकते हैं। फाइनली ये मुश्किल रास्ता भी मैंने पार कर लिया है। ओके, मुझे इस साइड से जाना पड़ेगा। सामने की तरफ तो ये क्या ऊंचे से जंप रखी गई है। ओके गाइस, अपनी बाइक तो हवा में ऊपर जा रही है और मुझे सेफली नीचे लैंड करवाना है इस बाइक को। ओके, लैंड भी करवा लिया, अब सामने की तरफ जाते हैं। ओके ओके ओके, अरे ये नीचे सीढ़ियां रखी गई थी, इन सीढ़ियों से भी अपनी बाइक पार कर लिया है। जोकर ने तो ये समझा होगा मैं गिर जाऊंगा यहाँ से नीचे। गाइस, अब तो सामने की तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? अरे कोई भूत प्रेत तो नहीं थे, यहाँ से जा चुके हैं। लगता है इन्हें पता चल चुका है कि मैं कितने बुरे तरीके से बाइक लेकर आऊंगा। ओके, ये वाला रास्ता भी मैंने आसानी से पार कर लिया है। आगे और भी ज्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अरे ये फिनिश पॉइंट है कहाँ पर? इतनी जल्दी मैं यहाँ पर पहुंचा फिर भी फिनिश पॉइंट नहीं आया मेरे सामने। ओके, मुझे लगता है ना इस तरफ से होकर जाना पड़ेगा मुझे। अरे ये पिंक ब्लॉकर रखे गए हैं, क्या इनसे अपनी बाइक टक्कर सकती है? लेकिन मैं ध्यान से लेकर जा रहा हूँ, कहीं पर गिरने नहीं वाला। अगर स्पीड से लेकर गया तो आप लोग गिर भी सकते हैं। गाइस, आप लोगों ने देखा ये छोटी बाइक कितनी ही ज्यादा खतरनाक है। इस साइड से तो मैं जा रहा हूँ कितनी स्पीड से अपनी बाइक नीचे की तरफ गई है। ओके, मैं इस साइड पर तो बाइक को लेकर जा रहा हूँ। ये क्या, बाइक तो खुद बखुद ही हवा में फ्लाई कर रही है। मुझे लगता है अपनी स्पीड नहीं छोड़नी चाहिए बाइक की, वरना हम लोग नीचे गिर सकते हैं। ओके, फ्लाई करके मैं इस पॉइंट तक तो ले आया हूँ अपनी बाइक। अब ये क्या, मुझे लगता है अब सामने की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, फिनिश पॉइंट मुझे नजर आ चुका है अब, और मुझे नजर आ चुका है सामने की तरफ ये फिनिश पॉइंट। और ये क्या, ये तो आयरन मैन का ही सूट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आयरन मैन का सूट इसने रखा हुआ है। ये तो आयरन मैन का लास्ट सूट था जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। फाइनली मुझे मिल चुका है ये, और मैंने इस चैलेंज को भी कंप्लीट कर लिया। तो लगता है जल्दी से इस सूट को पहन लेना चाहिए। तो आप लोग रेडियो 1 2 3 एंड गो। ओके, ये सूट तो मैंने पहन लिया है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कौन कौन सी पावर है। क्या ये अमेजिंग तरीके से मैं फ्लाई कर पा रहा हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा, फ्लाई करके तो मैं सिटी की तरफ आ चुका हूँ। वैसे काफी स्पीड से हम लोगों ने फ्लाई किया है। ओके, अब मुझे भाग कर भी जाना पड़ेगा। इस साइड से तो भाग रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या, सामने की तरफ तो एल्ट्रॉन है। गाइस, मुझे एल्ट्रॉन मिल चुका है फाइनली। वैसे मेरा अगला टारगेट तो एल्ट्रॉन ही था। ये क्या आयरन मैन, तूने अपने सीट वापस बाय कर ली है। अच्छा हुआ तू फिर से मुझे मिल गया। अब तुझे फिर से मार कर मैं ऊंची जगह से नीचे फेंकूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा तू मेरे हाथों से बच कैसे गया। अरे गाइस, ये क्या इतनी खतरनाक किस्म की लेजर फेंकी इसने मेरे पर, और ये क्या, इसने मुझे पत्थर का बनाने की कोशिश की है। अरे ये तो मेरे सूट को पूरे का पूरा डैमेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, लेकिन अब नहीं। गाइस, वो टॉनी था और ये फ्रैंकलिन है, इसे बता दो। गाइस, इस सूट से तो जो इसे पंच लग रहे है ना वो काफी जोरदार है। अब इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इसने तो टॉनी को मारकर ऊंचाई से नीचे फेंका था ना, अब भाई इसे फेंकूंगा ऊंचाई से नीचे। क्या ही जोरदार पंच पड़ रहा है इसे, इसे तो मैंने उठने का मौका ही नहीं दिया। तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया मैं कितना ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ये है आयरन मैन का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और पावरफुल सूट, जो कि वहाँ पर सिर्फ उस चैलेंज को जीतने पर मिल रहा था। अच्छा हुआ मैंने पहले ही वो सूट ले लिया, अब जल्दी से मैं इसे जला देता हूँ। एक अच्छी बात, इस सूट के अंदर लेजर भी है जिससे मैंने इसे जला दिया। एल्ट्रॉन मारा जा चुका है, मुझे लगता है अब इसे उठा कर ना टोनी के मेंशन पर ले जाना चाहिए, वहीं पर इसका एक्सपेरिमेंट होगा। तो गाइस, मुझे तो सारे सूट मिल चुके हैं और मुझे तो अब काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। सेंचर चौब ने तो अपना पेट भर लिया होगा होटल के अंदर जाकर। ओके, मैं अभी जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।